जहनम वासिल कर दी अल्लाह की रसूल सलिम ने उसकी सर को देखकर बड़े खुश हुए मेरे दोस्तों ये अली की बहादुरी like, जब देखा अमर बिन अब अपने झंडा लेकर बड़े तेज रफ्तार भगते हुए आने लगा गजब के अंदर जब बड़े तेजी से भक्ति उभारने लगा कि हाई कोई मेरे साथ मुकाबिला करने वाले हाई कोई मेरे साथ मुकाबिला करने वाले मेरे दोस्तों हजरत अली रत अल्लाह तला के रसूल को कहने लगा या रसूल अल्लाह ये झंडा लेकर आया क्या हम उसके साथ मुकाबिला कर लो मुझे इजाजत दे दें अल्लाह के रसूल ने फरमाया के आली ये तुम्हारे चचा का बेटा है बैठ जाओ फिर वो कहने लगा अमर बिना आप ने कि है कोई तुम्हारे मुसलमानों में किसी की हिम्मत है कि मुझसे मुकाबला करे और फिर भी कहने लगा हजरत रजू ने कि यार अल्लाह मुझे इजाज़त दे दे कि मैं उसके साथ मुकाबिला करूं फिर वो कहने लगा है तुम्हारे मुसलमानों की मलामत करना शुरू कर दी कि तुम्हारे मुसलमान के तुम लोग मुसलमान कहते हो कि भाई जब तुम मरोगे सीधे जन्नत में जाओगे वो कौन सी तुम्हारी जन्नत है तुम लोगों को जन्नत के खाब दिखाते हो वो तो बता दो वो कौन सी जन्नत है है कोई मेरे साथ में मुकाबिला करने वाला आ जाओ मेरे साथ मुकाबिला कर लो हम तुम्हें देख लेते हैं कि मेरे साथ मुकाबिला करने वाले कौन है मेरे दोस्तों हजरत फिर अमर बिन अब्दुद को यह पढ़कर सुनाना शुरू कर दी जब अमर बिन अब्दुद आगे बढ़ना शुरू कर दिया अल्लाह के रसूल से फिर इजाजत मांगी हजरत अली रजियाल्ला रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि तब ताकि मैं इससे इसके साथ मुकाबिला कर लू तीन मुतबा उसने पहले मुतबा तो आवाज दी झंडे लहराते हुए आगे बढ़े दोस्त से तुबा कहने लगा कि आपसे मुकाबला करने के लिए कोई है तैयार तो फिर कहने लगा है कोई तुम्हारे मुसलमानों में तैयार कि मुझसे मुकाबला कर ले फिर कहने लगा कि तुम लोग मुसलमान मुसलमानों को मलामत करना शुरू कर दी कि तुम मुसलमान कहते हो कि भाई जब तुम मरोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे वो कौन सी जन्नत है जो लोगों को जन्नत की खाब दिखाते हो जो तुम जन्नत के बारे में दावा करते हो वो कौन सी जन्नत है तीन मरतबा दोहराने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह रसूल मकबूल से फिर इजाजत मांगी या रसूल अल्लाह सल्हली वसलम मुझे इजाजत साथ मुकाबला करूं हजरत अली रजी अल्लाह सबसे पहले तो उसको कि मैं चाहता हूं कि तुम इस्लाम कबूल कर लो कि अल्लाह अकीला है वह तना तना उसके साथ कोई शरीक नहीं है तुम जिन महबूदों की इबादत करते हो वह बेकार है वो कोई महबूद नहीं है वो कोई महबूद नहीं है ना किसी को नफा पहुंचा सकता है ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है हम उस महबूद की दबा देते हैं जो महबूद अल्लाह शरीक शरीकला है जो अल्लाह के सवार कोई महबूद नहीं है जो अल्लाह तने तना है उसी की इबादत करो इस्लाम की जड्डे तले आ जाओ अल्लाह के रसूल को रसूल मानकर अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर आ जाओ अली रजी अल्लाह तला ने उसको दबा दी लेकिन वो मुन करके हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फिर हजरत अली रजी अल्लाह तु रिजिस पढ़ना शुरू कर दिया लाता जालना ला लाता जलना फकत दता का मुजूब सोती का गैर हाज जिन गैर हाज फी नीयत व भी सूरत इन व के मंजी कुल्लु फाइजिन इन्नी लारिज व ना अकीम अले का ना हतुल जनाइजी मंजर नजला यबकी जिक्र हा इंदल जल्दी ना कर तेरी पास तेरी आवाज का जवाब देने वाला तेरे आवाज की जवाब देने वाला जो आज नहीं है आ गया है सैदना शेर अली, अली तालिब तेरे सामने हाजिर हो चुका है तेरे जवाब तेरे बातों की जवाब देने वाला तेरी आवाज की जवाब देने वाला आ चुका है सच्ची नीयत और बसीरत की साथ और सच्चाई है नजात सच्चाई चचाई ही नजात देती है और फिर बड़ा हर कामयाब होने वाले को मुझे कभी उम्मीद है कि मैं तेरे ऊपर जनाजे पर नुहा करने वालियों को कायम कर दूंगा तलानु के ने लगा ऐसे वसी के जरिए कि जिसका तू तस्करा जिसका तस्करा हर नकल हरकत करने वाले हर नकल हरकत करने वालों में बाकी रह जाएगा आ जा कि तेरे जवाब देने वाला आ गया है आ तुम मुकाबिला करने वाले जैसा ही अमर ने हजरत अली रजियाल्ला की डाल के ऊपर हमला कर दी उसी वक्त हजरत अली ताला ने उसकी गर्दन के ऊपर मारा उसको वासिल कर दी अल्लाह के वसल्लम ने उसकी सर को देखकर बड़े खुश हुए मेरे दोस्तों ये थे आली की। अली की अली रजियाल्लाह तला की बहादुरी